श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियां व सर्व खजाने सभी मनुष्य आत्माओं को समान रूप से देते हैं, परंतु सभी समान रूप से उसे प्राप्त नहीं कर पाते। परमात्मा प्राप्ति की अधिकारी आत्माओं की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 2 मई 74 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक है अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो। जैसे ज्ञान सागर सर्वशक्तियों से संपन्न है, ऐसे अपने को भी सर्व प्राप्तियों से क्या संपन्न अनुभव करते हो? ऐसा इसे थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा की महिमा में हम सब गाते हैं। हाँ जी। वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है जी, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है जी। तो जो परमात्मा हमारा पिता है, तो वैसे भी पिता की जो प्रॉपर्टी है, बच्चा उसका मालिक होता है जी। अगर हम सब के पिता परमात्मा, जिनको हम परम पिता कहते हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सर्व समर्थ हैं, तो हम बच्चों के पास भी वो शक्तियाँ होनी चाहिए जी। उनके हम सब मास्टर हैं। परमात्मा हम सबको ये टाइटल देते हैं कि मैं ज्ञान सागर हूँ तो मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं जी। तो हम सबको चेक करना है, जो परमात्मा की महिमा है, जो परमात्मा के गुण हैं, वो मेरे जीवन में कहाँ तक आए हैं, हम उसमें कहाँ तक अथॉरिटी बने हैं, मास्टर बने हैं जी। तो सर, परमात्मा कहते हैं कि जो कहावत है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं होती, यह कहावत ब्राह्मणों की गाई हुई है या देवताओं की? सर्व संस्कार ब्राह्मण जीवन में ही तुम अनुभव करते हो, क्योंकि अभी तुम सर्व संस्कार अपने में भर रहे हो, तो यह गायन के संस्कार अभी से तुम अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय ऊंचते ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो, लेकिन तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहलावेंगे। वास्तव में संगम युग पर जी, जो परमात्मा के साथ उनके द्वारा हमें प्राप्तियां होती हैं जी, वो भविष्य में तो नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, और देवताओं के पास स्थूल में सब प्रकार की प्राप्तियां हैं। ये जो सूक्ष्म प्राप्तियां संगम युग पर हम सब कर रहे हैं, वो भविष्य में नहीं होंगी, लेकिन भविष्य देवताओं के लिए गाया हुआ है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो परमात्मा कहते हैं स्थूल में तो सब प्रकार की संपन्नता देवताओं के पास है, लेकिन उसके पहले जो पुरुषार्थ किया है वो संगम पर ब्राह्मणों ने किया, जो परमात्मा के बच्चे बने, और परमात्मा के द्वारा जब अविनाशी खजाने प्राप्त किए, इसमें जब संपन्न भरपूर बने हैं, तब उनकी रिजल्ट देवताओं के स्वरूप में उनको प्राप्त होती है। बिल्कुल सर, परमात्मा हमसे कहते हैं कि ज्ञान सागर बाप बच्चों को सब में संपन्न अभी बनाते हैं, तभी लास्ट स्टेज का गायन किया जाता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक, महिमा में भी सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। यह संपन्नपन का वर्षा बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है। हमारे इस ईश्वरीय पढ़ाई की डिग्री जो है जी, यही मूल डिग्री है जो हम संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त होते हैं। संपन्नता के लिए गाया हुआ है सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, संपूर्णता में निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसा नहीं डबल अहिंसक। तो ये जो गायन है, इस पढ़ाई की रिजल्ट है जी, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके अनुसार अंतिम समय में हम ये डिग्री प्राप्त करते हैं।
तो जब संगम पर ये डिग्री जो प्राप्त करते हैं वही भविष्य में देवता बनते हैं। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अब संपन्न और संपूर्ण संगम योगी ब्राह्मण है, उनके रिजल्ट में वो देवताएं फिर संपन्न बनते हैं स्थूल रूप में। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब वर्षे के अधिकारी हैं तो अधिकारी की निशानी क्या है? अधिकारी बाप समान सदा कल्याणकारी, रहम दिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला, साक्षात बाप समान होगा। जो संगम युग पर अधिकारी बन गया, माना परमात्मा के वर्षे का अधिकार जिसे प्राप्त हो गया, वारिस को अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कोई बच्चा किसी के पास, साहूकार के पास जन्म लेता है, तो उसके पास जितनी खजाने हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, बच्चा जन्म लेते ही उसका अधिकारी मालिक बन जाता है। और जब ये अधिकार आपका इस गुणों पर आ जाएगा, मास्टर बन जाओगे, तब भविष्य में भी आपको सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि ऐसे अधिकारी का गायन है कि उसके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो सर्व में संपन्न होता है, उसकी आँख व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती, वह सदा रूहानी नज़र में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। जो भरपूर होता है जी। वैसे भी लौकिक में भी कोई भरपूर होते हैं, जो घर कहते संपन्न हैं, भरपूर हैं, उनके बच्चे भी बहुत रहल होते हैं। किसी की वस्तु पर, किसी के खान पान पर उनकी दृष्टि नहीं जाती, किसी के वस्त्रों पर भी नहीं जाती, वो अपने आप में भी मस्त रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम परमात्मा के बच्चे मालिक हो, अधिकारी हो, किसी की भी चीज़ों पर, किसी के विशेषताओं पर आपकी नज़र क्यों जाती है, गुणों पर भी आकर्षित क्यों होते हो? तो जो आत्माएँ परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बन जाती हैं, वो बेफिक्र बादशाह बन जाती हैं, बिल्कुल निश्चिंत जीवन रहती है। उनकी आँख किसी भी वस्तु में, किसी के गुणों में, किसी की विशेषताओं में, किसी की वस्तुओं में नहीं जा सकती, क्योंकि खुद भरपूर हैं, उनके पास कोई कमी है ही नहीं। तो हम संगम युग पर सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं हैं, उस समान में रहते हैं, तो किसी तरफ हम आकर्षित नहीं हो सकते, तो वो रॉयल्टी वो संस्कारों में अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य, जो भी कहो वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? वास्तव में जिसके पास ज्ञान का खजाना है, अच्छा चिंतन है, जो परमात्मा ने इतना हम सबको प्राप्तियां कराई हैं, उसका हमारा सुमिरण है, चिंतन है, हम उसमें बिजी रहते हैं, तो हमारे सामने जो आते हैं उसमें हम दान में, उनको ज्ञान सुनाने में, उनको गुणदान देने में बिजी रहते हैं। परमात्मा ने हमें सेवा के अनेक साधन दिए हैं, तो जो आत्माएं बिजी रहती हैं वो छोटी छोटी बातों में नहीं जाती, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों के पीछे उनका समय नहीं जाता जी। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे को इतनी जवाबदारियां हैं, इतनी आत्माओं का कल्याण करना है, इतनी आत्माओं को गति सदगति का रास्ता दिखाना है, तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है, अपने में बिजी रहो। जो आपको मिला है, मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म से गुणों का दान दो, अगर इसमें हम बिजी हैं तो दूसरी बातों के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे व्यर्थ संकल्प चल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, माना हमने अपनी जवाबदारियों को समझा नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारे पास इतनी सारी जवाबदारियां हैं, इतने बड़े विश्व को कल्याण करना, उनको सुख शांति की अंचली देनी है, परमात्मा का पैगाम देना है, तो इतना बड़ा कार्य, फिर हम कहें हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये होता है, वो होता है, तो परमात्मा कहता है माना आपने अपनी जवाबदारियों को समझा नहीं है। बिल्कुल। जवाबदार आत्माओं को
खुद बिजी हैं तो उनके पास फुर्सत ही नहीं है व्यर्थ सोचने की ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, उनको जानने की उसमें जरूरत ही नहीं। सब परमात्मा कहते हैं कि जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों और बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, अधिकार नहीं या विजय नहीं, तो क्या विश्व के राज्य का अधिकारी व विजयी रत्न बन सकता है? आत्मा सबसे पहले अपने आप पर अधिकार करना सीखे। जी, हमारी दो मुख्य शक्तियां हैं। हाँ जी, मन और बुद्धि। जी, मन का काम है संकल्प चलाना, बुद्धि उसको यथार्थ रूप में राइट और रॉन्ग की जजमेंट करती है। जी, तो जो ये दो शक्तियां मुख्य हैं आत्मा की, अगर कोई योग अभ्यास करता है तो ये दोनों शक्तियां उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन कई बार कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो मन के अंदर वो संकल्प इतनी फास्ट गति से चलते हैं जो हमारा कंट्रोल नहीं रहता। जी, परमात्मा हम सबको चेकिंग सिखाते हैं, चेक करो। विपरीत जब परिस्थितियां हैं, जब कोई ऐसा वायुमंडल बना, जब आपके कोई मन के अनुसार आपके कोई कर्म नहीं हो रहा है, उस समय आप अपने मन पर कंट्रोल कर पाते हो? या जो आया वो संकल्प चलता रहता है। और कई बार ऐसा होता है एक संकल्प बार बार चलता रहता है, और जब वो बार बार चलता हमारा कंट्रोल नहीं होता तो रात भर नींद फिट जाती। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप स्वराज्य अधिकारी नहीं हो, अपने आप पर, अपने संकल्पों पर आपका कंट्रोल नहीं है, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, वो भटक रही इधर उधर, ठीक निर्णय नहीं दे रही है, तो ये जो सूक्ष्म शक्तियां आपकी अपनी हैं, आप राजा हो, स्वराज्य अधिकारी हो, तो अपने पर राज्य नहीं कर सकते हो तो विश्व पर राज्य कैसे करोगे? बिल्कुल। इसलिए हमें बहुत महीनता से, बहुत गहराई से चेक करना चाहिए कि मैं अपने चलते हुए संकल्पों को कितना समय रोक सकता हूँ। अगर इधर जा रहे हैं, क्या इधर से मोड़ करके मैं इधर ले जा सकता हूँ? बीच बीच में इसकी ट्रायल करनी चाहिए। बिल्कुल। कोई विपरीत परिस्थिति के अंदर कोई ने कुछ बात कट किया मेरी, कोई मेरी बात को कट किया गया, कोई ने मेरा डिसरिगार्ड कर दिया, कोई मेरे लिए ऐसी बात बोल दी गई, जी, उस समय हमारे मन की स्पीड क्या होती है, हमारे संकल्पों की स्पीड को चेक करना चाहिए। तो जो राजा है वो अपने मन और बुद्धि पर पहले राज्य करे, अपनी इन कर्मेंद्रियों पर राज्य करे, तब भविष्य राज्य उसको प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में ना हो, क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? यह मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियां व मुख्य राज्य अधिकारी हैं व कार्य अधिकारी हैं। यदि वह भी वश में नहीं तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, महान विजयी या महान कमजोर? तो अपने आप को देखो कि क्या मेरे मुख्य राज्य अधिकारी मेरे अधिकार में है। अगर नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी अथवा राजन कैसे बनेंगे? अपने ही छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने को धोखा दे तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा? वास्तव में जितने राजाएं जिन्होंने अपनी राजाई गंवाई, जी, द्वापर युग के राजाओं ने जो राजाई गंवाई उसका एक कारण बना, उनके जो मुख्य कार्यकर्ता थे, मंत्री थे, कार्यकर्ता थे, वजीर थे, उन्होंने कहना मानना बंद कर दिया। देखा राजा तो अपनी मस्ती में मस्त है, तो उन्होंने देखा कि जब राजा ही अपनी पोस्ट पर अपनी स्थिति में नहीं है तो उन्होंने मनमानी करना शुरू कर दिया। जी। और राजा की राजाई, राजा को अपनी राजाई गंवानी पड़ी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो आपके मुख्य कार्यकर्ता हैं, आपके जो मुख्य मंत्री हैं, शरीर के अंदर कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा की जो मुख्य शक्तियां हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार हैं, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ये जो आपकी इंद्रियां हैं, क्या आप राजा के कंट्रोल में हैं? अगर यही कंट्रोल में नहीं है तो आप दूसरों पर क्या राज्य करेंगे? जी। तो वास्तव में आवश्यक है कि हम सब राजयोगी आत्माएं पहले स्व पर राज्य करना सीखें, और जब स्वशासक बन जाएंगे जी, तब हम दूसरों पर अपने आप शासन कर सकेंगे। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं महान समझदार, महान विजयी बच्चे, क्या कमजोर हो जो अपने आप पर भी अपना कंट्रोल नहीं है, कभी आंख धोखा दे देती, कभी मुख, कभी कान, कभी हाथ, कभी मन भटक जाता है, कभी बुद्धि भटक जाती है, को चेक करो और अपने स्वराज्य अधिकारी के स्वरूप में स्थित होकर के इनको आर्डर से चलाओ।
और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर कर्मेंद्रियां कहाँ तक अपने अधिकार में है यह चेक करो और अभी से ही विजयीपन के संस्कार धारण करो। बाप दादा का नाम बाला करने वाले ही बाप समान संपन्न होते हैं। सब परमात्मा कहते हैं कि मरजीवा बन गए हो ना, या कि मरकर जिंदा हो जाते हो। मरना शूद्रपन से है, जीना ब्राह्मणपन में है। यह ब्राह्मणों का अलौकिक जीवन है। ब्राह्मणों को कुछ मुश्किल होता है क्या? वास्तव में जब हमने ज्ञान प्राप्त किया, जब हमें नया जन्म मिला, ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन्म मिला, तो जो पास्ट के संस्कार हैं, शूद्रपन के विकारी संस्कार हैं, उनसे जैसे हम मर गए। और जब मर करके हमने नया जन्म ले लिया, ये द्विजन्म है हमारा, इसी जीवन में जो हमारे पास्ट के संस्कार थे, पतित संस्कार, विकारी संस्कार, उन पर हमने विजय प्राप्त की और हम अपने को मरजीवा कहला रहे हैं, ब्राह्मण कहला रहे हैं जी। तो हमें चेक करना है कि मरजीवा जीवन के अंदर वो पास्ट वाले जन्म के संस्कार इमर्ज तो नहीं होते। अगर वो संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, माना हम ब्राह्मण पक्के नहीं हैं जी, उनको हमें परिवर्तन करना है। सब परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन के जीदान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का भी आधार है मुरली। तो जीदान का आधार अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो, नियम प्रमाण नहीं, लेकिन जीदान का आधार समझ स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। जितना स्नेह जीदान से होगा, उतना ही स्नेह जीवन दाता से होगा। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अगर कोई पास्ट के जीवन से मर करके इस जीवन में जीना चाहता है जी, तो उसका सबसे अच्छा जीवदान, जीवन दान मुरली है जी। भगवान के महावाक्यों को ही हम मुरली कहते हैं। हाँ जी। और जो ब्राह्मण आत्माएं मुरली से प्यार करती, मुरली का बार बार अध्ययन करती हैं जी, अच्छी स्टडी करती हैं, वो कई प्रकार के विकारी संस्कारों को जीत लेती हैं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए अगर इसको हम आधार बना लें, अगर कोई भी शूद्रपन के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, बार बार बाहर आ रहे हैं, तो उन पर विजय प्राप्त करने की सबसे सहज विधि है मुरली, बाबा के महावाक्यों का बार बार अध्ययन जी। जब समय मिले, हमारी दादियां अभी तक भी इतनी एज में भी उनके हाथ में सदा मुरली रहती है। सफर में जाएंगी, कमरे में बैठी होंगी, कोई नहीं मिलने वाले हैं, कोई और सेवा नहीं है, तो उसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इससे क्या होता है, को पिछले जो भी बातें हैं वो भूल जाती हैं, वो संस्कार मर्ज हो जाते हैं पीछे के, और नए संस्कार उसके आधार से बनते जाते हैं। बिल्कुल। तो जिसका इस मुरली से प्यार है, तो मुरली सुनाने वाले से, जीवन दाता से, परमात्मा से अपने आप प्यार हो जाएगा। बिल्कुल। किसने हमको ऐसे महावाक्य सुनाए, इतना ऊंचा ज्ञान किसने दिया जिसे हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बन गई? तो जिसका मुरली से प्यार, उसका उस सुनाने वाले से, जीवन दाता से प्यार जी जी जी। तो जब हमारा उससे स्नेह होता है और इसका हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, तो हमको देख करके अनेक आत्माओं का भी उनसे स्नेह बन जाता है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुरली तो हमने कई बार सुन ली है, मुझे तो याद हो गई है, लेकिन इसका स्वरूप बनना है जी। अगर हम सुनते हैं आप आत्मा हैं, आप मालिक हैं, आप स्वराज्य अधिकारी हैं, तो हमें चेक करना चाहिए कि परमात्मा मुझे बार बार कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। क्यों कह रहे हैं? माना हम अभी तक बॉडी कॉन्शियस में हैं, जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो परमात्मा की याद स्वतः रहेगी। तो ये जो विधियां हमें परमात्मा मुरली के द्वारा सुना रहे हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए, हमारा स्वरूप ऐसा बन जाए जी। इसलिए कभी नहीं कहना ये तो रिवाइज हो रहा है, ये तो रिपीटेड मुरली है, ये तो मुझे याद हो गई है। कई बार ऐसे लोग कह देते हैं, हमने तो कई बार ये सुन लिया है, लेकिन रटने की या याद करने की चीज नहीं है, ये अपने स्वरूप में लाने की बात है। सब परमात्मा कहते हैं कि जैसे दुनिया के लोगों ने गृहस्थ और आश्रम को अलग कर दिया है, और आप लोग दोनों को मिलाकर एक करते हो, वैसे स्थूल और सूक्ष्म साधनों को अलग करते हो, इसलिए प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता। दोनों ही साथ साथ होने से प्रत्यक्ष फल देखेंगे,
वाणी के साथ साथ मनसा चाहिए और कर्म के साथ साथ भी मनसा चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है ना। परमात्मा हम सबको गृहस्थ आश्रम बनाने का ज्ञान देते हैं जी। आजकल के गृहस्थ जो हैं वो एक जंजाल बन गए, गृहस्थ अलग हो गए, गृहस्थी अलग हो गए, आश्रम अलग हो गए। लेकिन वास्तव में परिवार गृहस्थ जो थे वो आश्रम थे। आश्रम माना जहाँ आत्मा को आश्रय मिले। जब हम अपने घर में जाएं तो घर में जाते ही शांति मिले, प्यार मिले, आराम मिले, तो आश्रम है। लेकिन वो आज नहीं हो रहा है। लोग बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए भी, बाहर मौज के लिए जाते हैं, घर के बाहर जा करके आराम महसूस करते हैं, समझते हैं घर के अंदर तो कलह क्लेश है। तो आश्रम नहीं रहा, वो गृहस्थी जंजाल बन गई। अब परमात्मा हमको गृहस्थ आश्रम बनाने का ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको देख करके लोगों को प्रेरणा मिले जी, शांति मिले, सुख मिले, प्यार मिले। तो जैसे हम घर घर गृहस्थ के अंदर रह करके इन चीज़ों को जब पालन करते हैं तो गृहस्थ आश्रम बन जाता, ऐसे हमारी जीवन में भी वो सब गुण, सब दिव्यताएँ आ जाएँ जो हमसे लोग प्रेरणा लें जी। तो परमात्मा हम सबको अपने जीवन को भी एक आश्रम समान बनाने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सर, परमात्मा कहते हैं कि जब अष्ट शक्तियों को साथ साथ सर्विस में लाओगे तभी अष्ट देवता प्रसिद्ध हो जाएंगे, अर्थात स्थापना का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि पहले स्थूल करके फिर पीछे सूक्ष्म करेंगे, नहीं, साथ साथ के सिवाय सफलता नहीं। कई बार हम स्थूल सेवाओं में तो बहुत लग जाते हैं लेकिन सूक्ष्म स्थिति पर ध्यान नहीं देते जी। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म स्थिति बनाने के लिए अष्ट शक्तियां आपके साथ साथ काम करनी चाहिए, क्योंकि स्थिति में अष्ट शक्तियां अगर नहीं है तो कोई ना कोई रुकावट आती है। मानो सहन करने की, समाने की, सामना करने की, परखने की, निर्णय करने, ये शक्तियां हैं जी। और ये शक्तियां जब मन की एकाग्रता होती है, परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ा होता है, तो ये शक्तियां साथ साथ काम करती हैं जी। और जो शक्तियां जिसके साथ समय पर काम करती वो अष्ट देवताओं में आ जाते, पूजनीय बन जाते। तो परमात्मा हमें स्थूल सेवाओं के साधन के साथ साथ ये विधियां बताते हैं कि सूक्ष्म में भी अपनी स्थिति को बनाओ जी, आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करो जी, वाचा के साथ मनसा और कर्मणा के साथ श्रेष्ठ मनसा जी, अगर साथ साथ रहेगी तो सफलता आपके पीछे पीछे रहेगी। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको अपने शक्तियों को प्रयोग करने की विधि बता रहे हैं जिससे हमें सेवाओं में सफलता मिले। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम ईश्वरीय वर्षे के अधिकारी बने, कैसे ईश्वर के जो भी प्राप्त खजाना है, शक्तियां हैं, गुण हैं, उन सभी को अपने जीवन में लेकर आएं और कर्मेंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त करें। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि परमात्मा के वर्षे के अधिकारी आत्माओं की ये विशेषता होगी कि वह परमात्मा के समान ही कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, अपने हर कर्म, बोल व संकल्प द्वारा साक्षात्कार कराने वाले होंगे। परमात्मा ने बताया कि विजयी रत्न बनने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी चैतन्य शक्तियों यानी मन और बुद्धि को कंट्रोल में रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें परमात्मा के महावाक्य यानी मुरली पर विशेष ध्यान देना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अधिकारी की निशानी, बाप समान, सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाला, जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, बुद्धि व दृष्टि, सर्व फिक्रों से फारिग, बाप द्वारा मिले हुए खजानों में सदा रमण करता रहता है, बाप द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं व सर्व के प्रति बांटने व धारण करने में बिजी रहता है, बाप दादा का नाम वाला करने वाले ही बाप समान संपन्न होते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 3-0।
7510 डिस्ट्रिक्ट सिरोही राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।